और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के लिए काम कर रही सभी संस्थाओं का सहयोग करने का भरोसा दिया है। सीएम ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान और गंगा गोमती क्रिकेट मैच के समापन अवसर पर ये बातें कही। को बधाई दूंगा कि जहां पर आप क्लीन ड्राइव के साथ साथ ग्रीन ड्राइव भी बहुत पहले से चला रहे हैं, हमें खुशी है रामा जी आपसे मिल करके कि जहां आपने एक ही दिन अपने सहयोगी साथियों से इतने पेड़ लगवाए, इतने पेड़ एक घंटे में लगा दिए कि आपका वो रिकॉर्ड बन गया और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आप शामिल हो गए। वहीं सीएम ने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रदेश सरकार कूड़े से बिजली बनाने के बारे में एक नीति लाने वाली है। कूड़े से बिजली बन जाए तो उसके लिए हम पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि कूड़े से जब बिजली बनेगी तो बिजली सरकार किस कीमत पे खरीदेगी, तो जहां ऐसा काम हो जो सस्टेनेबल हो, जो व्यापार चल सके, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं क्योंकि सरकार ने पहले से उस पर काम किया है सारनाथ और वाराणसी में। अगर आप लोग उसमें शामिल हो सकेंगे, और क्योंकि एक लिमिट का कूड़ा होगा, एक मात्रा में अगर कूड़ा होगा तो बिजली बन पाएगी,